है आज का टॉपिक मैथ्स के अंतर्गत एलसीएम एचसीएफ। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, आइए। हेडिंग एलसीएम एचसीएफ, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और एलसीएम एचसीएफ का यूज़ जो है मैथ्स के लगभग लगभग सभी टॉपिक्स में होता है, इस कारण इसको अच्छे से समझना ज़रूरी है। ठीक है, जो जो बातें बताते जाऊँगा ध्यान से सुनते चलना, क्योंकि लगता ज़रूर है कि एलसीएम एचसीएफ हमको फाइंड करना आता है, लेकिन इसके जब क्वेश्चन बनते हैं तो वो ट्रिकी होते हैं, लेकिन इजी होते हैं। अगर आपको पता है कॉन्सेप्ट बना लोगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिएगा। एलसीएम और एचसीएफ बारी बारी से मैं डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एलसीएम और यहाँ पर लिख देता हूँ एचसीएफ। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ एचसीएफ, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये इसका फुल फॉर्म है। और एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में अंतर समझिएगा। हिंदी मीडियम वाले क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य, और एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, अपवर्त्य और अपवर्तक। ठीक है, अपवर्त्य मतलब मल्टीपल, इतना हिंदी में अगर नहीं जाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है ना, इतना हिंदी में नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, लिखना तो खैर हिंदी मीडियम वालों को पड़ेगा लघुत्तम समापवर्त्य, लेकिन आप मल्टीपल को अपवर्त्य बोलें ऐसा ज़रूरत बहुत ही कम पड़ेगा। इवन आप जब मेंस में भी लिखेंगे तो उसको डायरेक्ट आप एलसीएम करके लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक चीज़ समझिए, मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले इस पर फोकस करना है हमको। आइएगा, इस शब्द पे पहले फोकस करना कि मल्टीपल और फैक्टर क्या है, ये दोनों में अंतर समझना ज़रूरी है। मैंने जब पहले क्लास लिया हुआ था तो मल्टीपल और फैक्टर में भी डिफरेंस क्या होता है ये पहले बता चुका हूँ, ऑलरेडी इसी सेशन में बता चुका हूँ, बट एक बार फिर से, किसी भी संख्या का मल्टीपल उस संख्या के पहाड़े में आने वाली संख्या होती है, और पहाड़ा मतलब कितना भी हो सकता है, केवल 1 से 10 या 1 से 20 तक नहीं होता। ठीक है, मतलब सीधा सीधा एक और डेफिनेशन बोले, किसी संख्या को किसी संख्या से गुणा करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो उस दी हुई संख्या का मल्टीपल होता है, अपवर्त्य होता है, या गुणज जिसको कहते हैं, गुणज। ठीक, क्लियर। तो जैसे मैंने बोला कि सर 4 का गुणज बताइए, 4 का, तो 4 का गुणज 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, ऐसा करते करते 4 को किसी भी संख्या से गुणा कर दो। इवन 4 को आप 50 से भी गुणा कर दो, 51 से गुणा कर दो, 52 से, किसी भी संख्या से गुणा कर दो, जो रिजल्ट मिलेगा वो मल्टीपल होगा 4 का। क्लियर है क्या, मल्टीपल क्लियर है क्या? तो एक बात समझ में आती है कि मल्टीपल जो होते हैं ना, मल्टीपल जो होते हैं वो संख्या में इनफाइनाइट हो सकते हैं। संख्या में क्या है, इनफाइनाइट हो सकते हैं। इनफाइनाइट को अगर बोलें और ज्यादा स्पेसिफिकली तो अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, ठीक, अनलिमिटेड हो सकते हैं, मल्टीपल अनलिमिटेड हो सकते हैं। किसी संख्या को गुणा किया, कितना भी गुणा कर लो, किसी भी संख्या से गुणा कर लो, जो मिलेगा मल्टीपल होगा, तो मल्टीपल अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड। क्लियर है क्या? जबकि फैक्टर की बात करें, फैक्टर किसी दी हुई संख्या का वह छोटा टुकड़ा होता है जो उस दी हुई संख्या को भाग दे सके, सीधी बात, या फिर किसी संख्या के छोटे टुकड़े जिनसे वो संख्या मिलके बनी है वही फैक्टर है, वो छोटे छोटे टुकड़े फैक्टर है, बस। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। जैसे अगर बोलूं कि सर 12 का बताओ, 12 का फैक्टर बताओ, 12 का फैक्टर बताओ, तो देखो 12 का फैक्टर क्या क्या आएगा, एक आएगा क्योंकि एक 12 को भाग दे सकता है, दो आएगा, दो 12 को भाग दे सकता है, तीन आएगा, तीन 12 को भाग दे सकता है, चार आएगा, चार 12 को भाग दे सकता है, इसके अलावा 6 आएगा जो 12 को भाग दे सकता है, और 12 भी 12 को भाग दे सकता है पूरी तरीके से। तो ये जो सारे हैं ये 12 के फैक्टर्स हैं। तो आपको एक चीज देखने को मिल रहा है कि दी हुई संख्या का फैक्टर उस संख्या से ज्यादा बराबर होगा या उससे कम होगा, जबकि मल्टीपल कहाँ गया, मल्टीपल जो भी किसी भी संख्या का लोगे तो कम से कम उस संख्या के, मतलब बोलना चाहिए बराबर या उससे अधिक ही मिलेगा। ठीक है,
तो यहां पर एक पॉइंट और निकल के आ गया, क्या कि मल्टीपल तो अनलिमिटेड होता है लेकिन फैक्टर लिमिटेड होता है, फैक्टर लिमिटेड होता है सर, ठीक है, लिमिटेड होता है, समझ पा रहे हो बात को। यहां पर मैथ्स की क्लास में आएंगे तो दिमाग लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीपल अनलिमिटेड, फैक्टर लिमिटेड दिख रहा है सामने। फोर का जैसे मैंने एग्जांपल लिया, फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन ट्वेंटी, चलने दो चलने दो, कितना चलने दोगे, चलने दो, अनलिमिटेड है, सारे मल्टीपल होते हैं। तो एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि दी हुई संख्या का मल्टीपल उस संख्या से बड़ा होता है जनरली, और अधिक से अधिक कंडीशन में जो होगा वो मल्टीपल उस संख्या के बराबर हो सकता है, पहली एक कंडीशन में, क्योंकि चार एकम चार, जैसे चार लिया था तो चार एकम चार, पहला मल्टीपल चार ही होगा, कोई भी संख्या का पहला मल्टीपल आपका वही संख्या होगा, तो उससे बराबर या उससे अधिक ही मिलेगा, मल्टीपल अधिक मिलेगा, जबकि फैक्टर चूंकि उस संख्या का छोटा छोटा टुकड़ा है जो उसको भाग दे सके, तो दी हुई संख्या से छोटा होता है फैक्टर, और अधिक से अधिक कंडीशन में ये 12 और 12 जो अंतिम फैक्टर बात करें वो खुद होता है, बराबर हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरे पॉइंट्स ध्यान में रखना, ये सारे पॉइंट्स दिमाग में होने चाहिए क्वेश्चन बनाते समय, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। हाँ याना, इतना क्लियर है कि नहीं, बोल बोलो, इतनी बातें समझ पा रहे हो, जो भी चीज़ें मैंने बताई हो सके तो कॉपी में लिख भी लेना, क्योंकि आगे जाके काम में आएगा ये सारा, ओके, ठीक। लाइव क्लासेस में मैंने बोला था कि अटेंड करना है आप लोगों को आके, रिकॉर्डेड भी जो देखते हैं उनको भी, तो कुछ लोगों के रिस्पॉन्स आए कि ये समस्या है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अगर कोई समस्या है तो बिल्कुल कमेंट करके बता दो, तो आपको कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन जो लाइव क्लास अटेंड नहीं कर रहा है शौकिया तौर पे, उसके लिए बात किए थे। थोड़ी संख्या बढ़ी है लेकिन और सॉरी थोड़ी संख्या बढ़ी है लेकिन जिस तरीके से अभी लोग बैच में जुड़े हुए हैं उतने नहीं आ रहे, प्लीज़ लाइव क्लास अटेंड करो, बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। तो एक नोट पॉइंट हम लिख सकते हैं क्या, जैसे मैंने बताया इसके आधार पर, कि वही जो बोला कि जो मल्टीपल होता है, ठीक है, मल्टीपल जो होता है वो दी हुई संख्या से बड़ा होता है, ठीक है, दी हुई संख्या मतलब जिसका मल्टीपल पूछा है आपको, और एक अधिक से अधिक कंडीशन में बराबर हो सकता है, बस पहली कंडीशन में, ठीक है। एक नोट पॉइंट और ध्यान रखना, जो फैक्टर होता है वो दी हुई संख्या से छोटा होगा, ठीक है, और एक कंडीशन में, सिर्फ एक कंडीशन में बराबर हो सकता है, तो ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। ये चिन्ह किसका है, बड़ा बराबर का, मतलब मल्टीपल बड़ा होगा अधिकतर केस में, सिर्फ एक केस में बराबर होगा, ठीक है, फैक्टर छोटा होगा दी हुई संख्या से, एक केस में बराबर होगा, क्लियर, इतनी बातें क्लियर क्या, ओके, ठीक है। चलो अब बात करते हैं एलसीएम एचसीएफ की। किसी भी एक संख्या का मल्टीपल या फैक्टर हम पता कर सकते हैं, लेकिन जब हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो वो हमेशा कम से कम दो संख्या का ही निकलेगा, समझ रहे हो बात को। जब केवल मल्टीपल और फैक्टर की बात करेंगे कि किसी संख्या का मल्टीपल या फैक्टर बताइए, तो वो केवल एक संख्या का निकाला जा सकता है, लेकिन जहां पर दो संख्या एक साथ दे दी जाए, मतलब एक से अधिक संख्याएं दे दी जाए, वो दो हो सकती है, तीन हो सकती है, चार हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, अगर उन सबका बोले निकालने के लिए तो एक साथ उनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। बोले का मतलब एक से अधिक संख्या का ही एलसीएम और एचसीएफ निकलता है, एक से अधिक संख्या का ही एलसीएम या एचसीएफ निकलता है फ्रेंड्स, ठीक है, इतनी बातें क्लियर, ठीक है सर। जैसे कि आपको बोला गया एलसीएम 2 और 3 का निकाल के बताओ, एचसीएफ 8 और 12 का निकाल के बताओ, दो संख्या का कम से कम निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, एक संख्या का कभी भी एलसीएम एचसीएफ नहीं होता, फिर वो क्या हो जाएगा, मल्टीपल और फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में मेरे ध्यान में नहीं आ रहा नाम, जो हिंदी मीडियम वाले हैं फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइए, दिमाग में नहीं आ रहा है। जैसे मल्टीपल को बोलते हैं क्या, अपवर्त्य, ठीक है, फैक्टर को अपवर्तक बोलेंगे, लेकिन अपवर्त्य और अपवर्तक ना बहुत ही खतरनाक शब्द लग रहे हैं। जैसे मल्टीपल को गुणज बोलते हैं, गुणज, फैक्टर को क्या बोलते हैं, किसी को पता है कमेंट करो। चलो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अब एलसीएम को समझ रहे हैं क्या है, सुनो, लीस्ट मतलब होता है छोटा, सबसे छोटा, लीस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन मतलब समान, और मल्टीपल का तो मतलब पता है गुणज, अपवर्त, ठीक।
वो तो हमने समझ लिया पहले से। गुणनखंड, चलो फैक्टर को एक गुणनखंड कह रहे हैं, ठीक है ओके, गुणनखंड याद आ गया, ओके इसको गुणनखंड बोलेंगे। आगे बताता हूँ, पहले हम एलसीएम का मतलब समझ रहे हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा समान गुणज, किसी भी दो संख्या के लिए, सुनना ध्यान से, किसी भी दो संख्या के लिए एक ऐसा गुणज जो दोनों में समान हो लेकिन सबसे पहले आता हो, सबसे छोटा हो। जैसे उदाहरण समझो, 2 और 3 का एलसीएम निकालिए। अगर आपसे प्रश्न पूछा, मतलब ऐसा प्रश्न तो नहीं पूछेगा, मैं उदाहरण बता रहा हूँ कि एलसीएम क्या होगा, तो आप 2 और 3 का आप मल्टीपल देखोगे। सर 2 का मल्टीपल में 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10 आता है, 12 आता है, और आगे बढ़ता जाएगा। 3 के मल्टीपल में 3 आता है सर, 3 2 6 आता है, 3 3 9 आता है, 12 आता है, 15 आता है, 18 आता है सर, ठीक है। लेकिन अब हम यहां पर पॉइंट करेंगे क्या, कॉमन, ये सारे 2 और 3 के मल्टीपल हो गए, सारे 2 और 3 के मल्टीपल हो गए, लेकिन हमको समान मल्टीपल देखना है, समान कॉमन, दोनों में कॉमन मल्टीपल ढूंढिए। आइए तो यहां पर दिख रहे, देखो सर 6 और 6, ओके। आगे थोड़ा और हम आगे बढ़े तो हमको नजर आया 12 और 12, ठीक है सर। आगे जैसे 2 के टेबल में अगर आगे बढ़ेंगे तो नीचे 18 आएगा, यहां पर भी 18 दिख रहा है, तो 18 और 18 भी कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। तो क्या ये सारे, चाहे मैं 6 की बात करूं, 12 की बात करूं, 18 की बात करूं, क्या ये सारे 2 और 3 के एलसीएम कहलाएंगे? हाँ या ना जल्दी कमेंट करो। 6 कॉमन हो गया, कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल, समान गुणज है 2 और 3 के लिए, ऐसा गुणज ढूंढ रहे हैं, गुणज निकाला था, मल्टीपल निकाला था, ऐसा दोनों में ढूंढ रहे हैं जो कॉमन हो दोनों में, 6 6 कॉमन, 12 12 कॉमन, आगे जाके 18 18 कॉमन, ठीक है, आगे जाके 24 24 कॉमन। मैं कह रहा हूं क्या ये सारे इंडिविजुअली, या 6 हो या 12 हो या 18 हो या 24 हो, 2 और 3 के एलसीएम कहलाएंगे? क्या सभी एलसीएम कहलाएंगे 6 12 18 24? क्या सभी 2 और 3 के एलसीएम कहलाएंगे? तो यहां जवाब आ रहा है यस, यहां सभी लोगों के जवाब आ रहे हैं यस। केवल विनीता ने बोला नहीं, ठीक है, राजकुमार ने बोला नहीं, सारे के सारे एलसीएम नहीं होंगे। यहां पर आप देख पा रहे हो कि कॉमन मल्टीपल क्या क्या है, डिफरेंस समझना, देखना दोस्तों डिफरेंस समझना, बहुत ही मजेदार चीज है। कॉमन मल्टीपल क्या क्या आया, सबसे पहले कॉमन मल्टीपल ढूंढो। कॉमन मल्टीपल में 2 और 3 के आया सर, 2 और 3 का एग्जांपल चल रहा है, 6 आया, 12 आया, 18 आया, आगे जाके 24 आ जाएगा, आगे जाके 30 आ जाएगा सर, क्योंकि ये सारे ना 2 और 3 दोनों के टेबल में आते हैं, ठीक है, ये सारे कॉमन मल्टीपल हैं, लेकिन एलसीएम नहीं है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है सर। क्या नहीं है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा? लीस्ट मतलब सबसे छोटा आने वाला, सबसे छोटा आने वाला कॉमन मल्टीपल बोलो कौन सा? 6। सबसे छोटा कॉमन आने वाला मल्टीपल ही एलसीएम होगा। तो इन सभी में ये सारे कॉमन मल्टीपल तो हैं, समान गुणज तो हैं, लेकिन सबसे छोटा समान गुणज नहीं है, मतलब एलसीएम नहीं है, एलसीएम केवल यहां पर होगा 6। डिफरेंस समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना जल्दी कमेंट करो, डिफरेंस समझ में आया कि नहीं? सामने में जुड़ा हुआ है लीस्ट, सबसे छोटा आने वाला मल्टीपल, दी हुई संख्या का सबसे छोटा आने वाला मल्टीपल, इसी कारण इसको सबसे छोटा मल्टीपल बोलते हैं। सबसे छोटा मल्टीपल ये नहीं होता कि दी हुई संख्या से छोटा होगा, यहां पर इसको कंफ्यूज कर जाते हैं। क्या कंफ्यूज कर जाते हैं? कि सर सामने में जुड़ा हुआ है लीस्ट, मतलब सबसे छोटा या लोएस्ट, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, तो वो क्या करते हैं, दी हुई संख्या से वो छोटा होगा सर, यही गड़बड़ हो जाता है। दी हुई संख्या से छोटा होगा इसका आशय नहीं है, दी हुई संख्या का जो कॉमन मल्टीपल निकलेगा जितना भी, उसमें जो सबसे छोटा होगा वो एलसीएम कहलाएगा। अभी क्लियर है? ठीक है, अभी क्लियर है? तो ये एलसीएम होता है फ्रेंड्स, ये एलसीएम होता है, ठीक, ओके, चलो। तो एलसीएम आई होप हम समझ चुके। एक और बात हमको ऑब्जर्व करने को मिली कि दी हुई संख्या का एलसीएम दी हुई संख्या से बड़ा होगा, भले सबसे छोटा मल्टीपल देख रहे हैं, लेकिन मल्टीपल क्या चीज है आगे आने वाला, सुनो फिर से, मल्टीपल क्या चीज है आगे आने वाला, क्योंकि पहाड़े में हम आगे बढ़ते हैं, हाँ या ना, पहाड़े में हम आगे बढ़ते हैं, तो मल्टीपल जो होता है दी हुई संख्या से आगे आने वाली कोई संख्या होती है सर, ठीक है, तो इसी कारण मल्टीपल
दी हुई संख्या से, एलसीएम सॉरी, एलसीएम जो है वो दी हुई संख्या से बड़ा होता है। ठीक है, कुछ एक कंडीशन आती है जिसमें दी हुई संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसके बराबर हो सकता है एलसीएम, वो केस बताऊंगा, लेकिन जनरली दी हुई संख्या का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त्य दी हुई संख्या से बड़ा होता है। दी हुई संख्या से बड़ा होता है क्योंकि मल्टीपल जाता है आगे, मल्टीपल बढ़ता है आगे की तरफ, तो बड़ा होता है। सर यहाँ तो लिस्ट लिखा है, भैया दोनों को अलग अलग अंतर समझो। मल्टीपल में कह रहा हूँ दी हुई संख्या से बड़ा होता है एलसीएम, दी हुई संख्या से एलसीएम बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन छोटा क्यों है? छोटा इसलिए कि जितने भी मल्टीपल निकलेंगे उसमें सबसे छोटा। सर अंतर स्पष्ट हुआ? भैया इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता ना, इसी में दिमाग माथा पच्ची हो जाती पूरी, इसी पॉइंट को समझने में पूरी माथा पच्ची हो जाती, क्योंकि हम मैथ्स का थ्योरी पढ़ना नहीं चाहते, हमको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, यही खेल होता है खराब। ठीक, चलिए, तो आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर एक नोट पॉइंट आपको लिखना चाहिए और वो नोट पॉइंट यही है कि जो एलसीएम होता है वो दी हुई संख्या से बड़ा होता है, और यहां लगा लेना स्टार मार्क। स्टार मार्क इसलिए क्योंकि दी हुई संख्या में एकाध कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जो दी हुई संख्या में सबसे बड़ी संख्या होती है एलसीएम उसके बराबर हो सकता है, और वो कब होगा मैं बाद में बता दूंगा, फिलहाल ज्यादातर केस में ये होता ही है। ठीक है, इसका ने स्टार मार्क लगाया है, कंडीशन अप्लाई। एक कंडीशन ऐसी है जिसमें सबसे बड़ी संख्या होगी दी हुई संख्याओं में, उसके बराबर भी एलसीएम हो सकता है, वो कब होगा बताऊंगा बाद में, फिलहाल ये नोट पॉइंट नोट करो। थम्स अप कर दीजिए, हाँ यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं जल्दी लाइव जो जुड़े हो, जिसको भी क्लियर हो गया थम्स अप कर दो, जिसको क्लियर नहीं हुआ बोलो वंस मोर। आराम से सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखने में कोई हड़बड़ी नहीं। चलो आ गया हो, अब एचसीएफ की बात करेंगे क्या? चलो पेन कलर चेंज करते हैं। आओ ये कलर देखते हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं यहाँ पर पार्टीशन कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एचसीएफ के कॉन्सेप्ट बताऊँगा। ठीक है, HCF का पूरा आप पढ़ना, मतलब हर एक लेटर का मतलब क्या है पढ़ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले तो फैक्टर समझते हैं क्या है। जैसे कि 12 का फैक्टर हमने देखा 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, ये सारे किसी एक संख्या के फैक्टर है। ओके, फैक्टर मतलब हमने समझ लिया है जो दी हुई संख्या उसके छोटे टुकड़े जो उसको भाग दे सके या जिसे वो संख्या बन सकती है, बस इतना क्लियर। डार्क कलर क्यों? डार्क कलर दिखेगा नहीं ब्लू ग्रीन बैकग्राउंड में। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसी दो संख्या का निकलेगा, कम से कम दो संख्या का निकलेगा, उससे ज्यादा का भी निकल सकता है लेकिन एक का नहीं निकलेगा। क्या एचसीएफ फैक्टर निकल सकता है केवल, लेकिन सामने में एचसीएफ जुड़ा हुआ है, मतलब हाईएस्ट कॉमन जुड़ा हुआ है। ठीक, दो संख्या का निकलेगा, कोई भी दो संख्या का उदाहरण ले लो सर, कोई भी दो संख्या का उदाहरण ले लेते हैं। चलिए एचसीएफ ऑफ 12 एंड 16, ठीक है, एचसीएफ ऑफ 12 एंड 16। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको नहीं आता, बता दोगे आसानी से कि चार होगा सर, ठीक है, ये आप आसानी से बता दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैसे आएगा ये समझना जरूरी है कि एचसीएफ होता क्या, ये बता रहा हूँ। ठीक है, देखो आप इंडिविजुअली 12 और 16 के फैक्टर निकालोगे, ठीक है, 12 और 16 के इंडिविजुअली फैक्टर निकालोगे। 12 के फैक्टर ऑलरेडी आपको पता है, नहीं भी पता होता तो एक होता है, दो होता है, मतलब जो भी छोटी संख्या 12 को जो भाग देगी वो सारे उसके फैक्टर 1, 2, 3, 4, ठीक है, 6 और 12, ये सारे फैक्टर हो गए 12 के, दोनों का एचसीएफ निकाल रहे हैं। ठीक है, 16 का फैक्टर देखेंगे तो एक, किसी भी संख्या का फैक्टर एक जरूर होता है क्योंकि एक तो हर संख्या को भाग देता है, एवं वो खुद संख्या भी होती है क्योंकि वो अपने आप को भी भाग दे सकती है। ठीक, तो 16 का फैक्टर एक, दो आएगा सर, तीन नहीं आएगा क्योंकि तीन 16 को भाग नहीं देता, चार आएगा क्योंकि 4 चौक 16 भाग देता है, उसके बाद बोलो 6 नहीं होगा क्योंकि 6 16 को भाग नहीं देता, आगे आएगा 8, 8 दूनी 16 होता है, ठीक है, फिर डायरेक्ट आ जाएगा 16 8 के बाद, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए 12 और 16 के ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या लिखना है सर,
इसमें देखना है कॉमन, इसमें देखना है कॉमन। तो मुझे एक बात बताइए, क्या क्या एक HCF होगा, क्योंकि कॉमन दिख रहा है, ये कॉमन फैक्टर है दिख रहा है, क्या एक HCF होगा 12 और 16 का? 12 और 16 का एक HCF होगा क्या? क्योंकि कॉमन तो दिख रहा है सर, फैक्टर भी है कॉमन भी है। कमेंट सभी करेंगे प्लीज, गलत भी करो चलेगा। मैंने बोला है ना, जब आप रिप्लाई करते हुए गलत जवाब देते हो तो वो क्वेश्चन आपके लिए हमेशा क्लियर हो जाता है ना। पार्टिसिपेट करो यार, सही गलत मैटर नहीं है। बिल्कुल, यहां पर लोगों का जवाब आया नहीं, कॉमन फैक्टर तो है सर लेकिन हाईएस्ट नहीं है। सारे फैक्टर में जो हाईएस्ट कॉमन होगा ना वही HCF होगा। तो ढूंढिए, यहां पर 2 भी HCF नहीं होगा, 1 भी HCF नहीं होगा, आगे देखें 3 जो है इसमें नहीं है, तो और क्या बचा सर? 4 बचा। आगे और चेक कर लो, 6 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 12 16 नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा बड़ा से बड़ा जो फैक्टर कॉमन हुआ ना सर वो 4 है, और यही क्या है, यही क्या है HCF। बात समझ में आई आपको? कॉमन फैक्टर तो देखना है लेकिन दिए हुए फैक्टर में गुणनखंड में जो सबसे बड़ा होगा, हाईएस्ट होगा, वही HCF होगा। एकदम क्लियर क्या? ये मैंने समझाने निकालना सभी को आता था, आप स्कूल में सीखे हो बहुत अच्छे से, वो सभी को आता है, लेकिन मैंने मीनिंग समझाई आपकी कि होता क्या है। आई होप ये इतनी बातें अगर आप समझ गए तो LCM HCF में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। एक और बात, कॉमन सेंस को भी नहीं छोड़ना है। क्या है कि पढ़ाई से हट के मतलब, या फिर बोल सकते हैं कि पढ़ाई को रहकर या पढ़ाई को दिमाग में रख के जब हम सोचना शुरू करते हैं तो कॉमन सेंस भी खत्म हो जाता है, क्योंकि हम पढ़ाई पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सोचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करोगे, है ना, तो कॉमन सेंस रहेगा साथ में आपके, और वो बहुत जरूरी है पढ़ाई के लिए। ठीक है भाई, तो इस बात का ध्यान जरूर रखो कि कॉमन सेंस रहे, मतलब केवल पढ़ाई कर रहे हो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में या फिर पढ़ते समय ना बैठो, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली भी सॉल्व हो जाती है विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ स्टडी, ठीक है, और रूल और प्रिंसिपल। चलिए आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और बातें सीखते हैं, कुछ नोट पॉइंट्स में नोट कराऊंगा। आइए लिखिएगा नोट पॉइंट नंबर 1, कुछ नोट पॉइंट्स जो जरूरी हैं सीखने के लिए। एक और बात, हाँ रुक जाओ, एक और बात जो यहाँ पर हमको लिखना है वो ये लिखना है कि आप देख पा रहे हो कि किसी भी संख्या का, दी हुई संख्या का HCF उन दी हुई संख्या से छोटा होता है, दिख रहा है ना। कुछ एक केस में जैसे मैंने बताया वो बराबर हो सकता है, वो कौन सा केस होगा बताऊंगा बाद में। तो यहां पर आप लिखेंगे क्या, HCF दी हुई संख्या से छोटी होती है, या HCF दी हुई संख्या से छोटा होता है, छोटी होती है, छोटा होता है, आप देख लो जेंडर, ठीक है, दी हुई संख्या से छोटा होता है, HCF दी हुई संख्या से छोटा होता है कर लेना, चलो छोटा होता है, ठीक है, HCF दी हुई संख्या से छोटा होता है, क्लियर। स्टार मार्क इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि कुछ एक कंडीशन में दी हुई संख्या में जो सबसे छोटी संख्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा HCF उसके बराबर हो सकता है, वो बाद में देखेंगे कौन सा केस होता है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ नोट पॉइंट्स की। नोट करिएगा पहला नोट पॉइंट, A इंटू बी इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज भी प्रश्न इस नोट पॉइंट से दे देता है डायरेक्ट, ठीक है। LCM और HCF का गुणनफल दी हुई संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। A और B क्या इधर, A और B है दी हुई संख्या, ठीक है, A और B दी हुई संख्या, और उसी दी हुई संख्या का अगर आप LCM और HCF निकालोगे तो LCM और HCF का गुणनफल प्रोडक्ट उन संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, प्रोडक्ट के इक्वल होता है। क्लियर है क्या? चलो आगे बात करें, ये पहला नोट पॉइंट ध्यान रखेंगे, इसको अगर शब्दों में ना लिखना चाहें तो इतना काफी है, बस समझ लेना कि ये A और B दी हुई संख्या है, उसी का LCM और HCF है, उनका गुणनफल उस दोनों दी हुई संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। आ गया अगला नोट पॉइंट में आप लिखोगे कि
LCM is always divisible by, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बताऊंगा, देखो मेरा ये जो मैथ्स में लैंग्वेज चलता है ये मिक्स चलता है, कभी हिंदी में कभी इंग्लिश में, पूरे हिंदी में भी बड़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी में ज़्यादा तकलीफ जाती है इस प्रकार के सब्जेक्ट्स को पढ़ने में, तो इंग्लिश भी चलेंगे हिंदी मीडियम वाले तो कोई दिक्कत है नहीं आपको, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा कभी भी। LCM इज ऑलवेज डिविजिबल बाय गिवन नंबर्स, गिवन नंबर्स, ठीक है, जो दिए हुए नंबर हैं जिनका हमने LCM निकाला है, तो LCM जो है उन दिए हुए सभी संख्याओं से भाग चला जाएगा, क्योंकि भैया LCM बड़ा है ना दी हुई संख्या से, और दी हुई संख्या का ही तो गुणज है, गुणा करके आया है आगे, कॉमन मल्टीपल है, तो ये ऑब्वियस ही बात है कि LCM जो है वो दी हुई संख्या से भाग जाएगा क्योंकि गुणा करके आया है, हाँ या ना, ठीक है, ये कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन आप बोलोगे ये सर हमको भी पता था कॉमन सेंस वाली बात है, नोट कराने की जरूरत नहीं थी। बेटा नोट कराने की जरूरत नहीं होती, दिमाग में आएगा ही नहीं तुम्हारे, अगर नहीं नोट कराएगा ना कराऊंगा ना तो दिमाग में नहीं आता, वही बता रहा हूँ, इसी कारण नोट करा रहा हूँ, है ऑब्वियस ही बात, ऑब्वियस ही बात है। अगला नोट पॉइंट, ठीक है, अगला नोट पॉइंट, गिवन नंबर्स आर ऑलवेज डिविजिबल बाय, ऑलवेज डिविजिबल बाय देयर HCF, कौन किससे भाग जा रहा है, देखना LCM दी हुई संख्या से भाग जा रहा है, मतलब LCM को वो दी हुई संख्याएं भाग दे रही है, क्योंकि LCM बड़ा इधर ऑब्वियसली बड़ी संख्या को छोटी संख्या भाग देगी, तो यहां पर छोटा कौन है, गिवन नंबर्स, दिए हुए नंबर्स जिसका LCM निकला है, तो LCM को दी हुई संख्याएं भाग करेंगी, ठीक है, और यहां पर उल्टा लिखा है कि गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय देयर HCF, दी हुई संख्या का HCF निकालें, दी हुई संख्या का HCF छोटा होता है, तो दी हुई संख्या को HCF भाग करेगा, ठीक है, क्लियर बात यहां पर, क्लियर हुई कि नहीं, लिख देते हैं, जैसे इस वाले पॉइंट के लिए LCM को, क्योंकि ये बड़ा है लिख दिया ऊपर, दी हुई संख्या कोई भी हो सकती है, ABCD तीन संख्या ले लो, ये इसको भाग करेंगी, ये इसको भाग करेंगी, ठीक है, LCM को भाग करेंगी क्योंकि ये सारी छोटी है LCM से, जबकि दी हुई संख्या, ठीक है, HCF से भाग जाएंगी, HCF से भाग जाएंगी, यहां पर ये बड़ी हो गई, क्लियर डायरेक्शन पूरा, ठीक है, अगला नोट पॉइंट ध्यान रखना, अगला नोट पॉइंट ध्यान रखना, LCM इज ऑल्सो डिविजिबल बाय देयर HCF, LCM भी HCF से भाग जाता है, LCM भी HCF से भाग जाता है, ठीक, और ये चार नोट पॉइंट्स आपको एकदम से दिमाग में रखने ही हैं, याद करने वाली कोई बात नहीं है, सारी बातें आपको पता है, ये सारी बातें पता है, बस ध्यान में रखना होता है, कई बार एग्जाम में ऐसा ही होता है ना कि चीज़ें बहुत सारी पता है, बहुत सारा चीज़ पढ़ के रखा, लेकिन चूंकि उसको दिमाग में हमने रखा नहीं, रिविजन नहीं किया, ध्यान नहीं रखा उन बातों का, तो एग्जाम में वो क्वेश्चन छूट जाते हैं हमारे, सिर्फ ध्यान देने वाली बात है इधर, बहुत सारी चीज़ें ध्यान देने वाली होती है ना, चलो तो उसमें से ये चार नोट पॉइंट है आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इतना हमारा प्रिपरेशन क्लियर है क्या क्वेश्चन बनाने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए इतना प्रिपरेशन हमारा क्लियर है, इसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा, कल आपके आंसर क्वेश्चन जो है वो टाइप फॉर्म में होंगे, आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, इस वजह से आपको टाइप करा के क्वेश्चन नहीं लाए हैं, ठीक है ना, फर्स्ट वाला एक्सप्लेन कर देते क्वेश्चन को देखे, क्या बोलते हो, क्वेश्चन दे देते हैं, फर्स्ट वाला समझ में आ जाएगा, ठीक है रवि जी, चलो आओ क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट वाले नोट पॉइंट को यूज करके हम एक्सप्लेन करते हैं, पहले नोट पॉइंट, आइए क्वेश्चन लिखिए, दो संख्याओं का LCM आप चाहे तो पूरे शब्द लिख सकते हैं, पूरे सेंटेंस में लिख सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, सुन के लिखते जाना, दी हुई संख्या का LCM 240 है, दी हुई संख्या नहीं, दो संख्याओं का LCM 240 है, ठीक है, और उनका HCF
और उनका HCF 12 है, और उनका HCF 12 है, ठीक है। दो संख्याओं का LCM 240 है और उनका HCF 12 है, ठीक। उनमें से एक संख्या, अब A और B दो संख्याएं हैं अलग अलग, उसी का LCM और HCF बताया गया है, तो उसमें से एक संख्या दी हुई होगी, दूसरी संख्या बतानी है, A और B दी हुई संख्या है, तो उसमें से एक संख्या 43 है, सॉरी 48 है, उसमें से एक संख्या 48 है, तो दूसरी संख्या बताइए, मतलब B बताना है। अब यहां पर आपको दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है, पहला नोट पॉइंट यूज होगा, पहला नोट पॉइंट यूज हो जाएगा सीधा। वो दी हुई संख्याएं हैं जिनका LCM और HCF निकला हुआ है, एक संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या बतानी है, सीधा सीधा यहां पर नोट पॉइंट नंबर 1 यूज कर लोगे। नोट पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से दी हुई संख्या का गुणनफल LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है, बस ये लग जाएगा इधर सीधा सीधा, ठीक है रवि, क्लियर है। और आंसर यहां लोगों का आ चुका है, दैट इज 60, वेरी गुड। अब सर आपने इसको ए क्यों ले लिया, बी ले लेते, ऐसा भी कुछ लोगों का दिमाग में चलता है ना, सर ए क्यों लिया, इसको बी भी ले सकते थे, ले लो कोई समस्या नहीं है, आप ए प्लस बी लिखो, बी प्लस ए लिखो, ए इंटू बी लिखो, बी इंटू ए लिखो, एक ही मतलब होता है, ठीक है। तो इसको आप बी भी मान सकते हो, ए को फाइंड कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। चलो ए की वैल्यू यहाँ पर 48, दूसरी संख्या बतानी है जो पता नहीं है, LCM की वैल्यू है 240, ये यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ बस, गुणनफल HCF की वैल्यू है 12, तो यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी 240 गुणा 12, और जब ये 48 उधर जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा ऐसा, ठीक है। यहाँ पर ये कट जाएगा 12 चौक 48, और यहाँ पर ये कट जाएगा 4 छक्का 24, और ये आ गया 60, और आंसर हो जाएगा 60, मतलब जो दूसरी संख्या है वो कितनी आ गई, 60 आ गई, ठीक है क्या 60, वेरी गुड, सभी लोगों का करेक्ट आंसर आया है। तो ये बेसिक क्वेश्चन कराना इसलिए जरूरी था भाई कि आता है एग्जाम में, ये डायरेक्ट आ जाता है एग्जाम में, अभी भी ऐसे प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना इजी होने के बावजूद पूछे जाते हैं, क्योंकि एकदम फंडामेंटल है। आओ सारे क्वेश्चन कराएंगे, मजा आ जाएगा। अभी ये देखना जो LCM HCF क्या है कि ना, जब बनाने जाते हैं ना तो LCM HCF का जो टॉपिक है हमको बहुत परेशान करता है, आज के बाद से परेशान नहीं करेगा, आज के बाद कल के बाद, मतलब दो क्लास कम से कम लगेगा इसके लिए, ठीक है, संभवतः तीन क्लास, मतलब दो के बाद आधी क्लास और लग सकती है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं का HCF, अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का HCF 8 है, ठीक है, दो संख्याओं का HCF 8 है, निम्न में से कौन सा विकल्प LCM नहीं हो सकता। ऑप्शन ए, ठीक है, विकल्प बताने कौन सा LCM नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 56। चलिए बताइएगा, इंग्लिश मीडियम वाले मैं रिपीट कर देता हूँ, द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर LCM, 24, 60, 48, 56, आंसर बताइएगा। और यहाँ आंसर फिर से आने शुरू हो गए हैं, विनीता ने जवाब दिया, राजकुमार ने जवाब दिया, विक्रांत ने जवाब दिया, निकेश ने जवाब दिया, आस्था ने जवाब दिया, तनिषा, सुमी, संदीप, प्रियंका, रवि, माधवी सॉरी हर्ष, धीरज, तृप्ति, वेरी गुड, कल्याणी, दीप्ति, क्या बात है, सभी के आंसर सही हैं। यहाँ पर देव सिदार भारद्वाज, वेरी गुड। सिंपल एक चीज़ चेक करना है, आपको HCF दिया है और पूछा है निम्न में से कौन सा LCM हो ही नहीं सकता, ये सारे LCM के ऑप्शंस हैं, तो इनमें से वो LCM नहीं होगा जो 8 से भाग ना जाए,
बस इतना ही चेक करना था ना। नोट पॉइंट नंबर 4 कि एलसीएम भी एचसीएफ से भाग जाएगा, तो वो कॉम्बिनेशन या वो विकल्प जो एचसीएफ से भाग नहीं जा रहा है वो एलसीएम हो ही नहीं सकता। तो चेक करो कौन सा भाग नहीं जा रहा है। 24/8 से भाग जाएगा, 8 या 24, बिल्कुल ये एलसीएम होगा, हो सकता है, मतलब होगा नहीं मतलब हो सकता है। 8 एचसीएफ के लिए एलसीएम हो सकते हैं ये सारे, एक नहीं होगा जो भाग ना जाए। क्या 60/8 से भाग जाएगा? नहीं, तो ये एलसीएम नहीं होगा, दूसरे ही ऑप्शन में पता चल गया। ठीक है, ये आपका एलसीएम नहीं हो सकता, ये एलसीएम नहीं हो सकता, आंसर नहीं होगा नहीं कह रहा हूँ मैं, ये आंसर नहीं होगा नहीं कह रहा हूँ, एलसीएम नहीं होगा ये कह रहा हूँ। ये भी 8 से भाग जा रहे, चेक कर लो, 8 × 45, 8 × 48, 8 × 7 56, ये सारे 8 से भाग जा रहे हैं, ये 8 से भाग नहीं जा रहा है, तो ये एलसीएम नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर आपका 60 आ जाएगा, आंसर आपका 60 आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्लियर है, नोट पॉइंट लगा आपका। ठीक है, चलो आओ आगे आओ, मजा आएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा, देखना भी और जो कुछ और मैंने नहीं बताया। फाइंड एच सी एफ ऑफ, फाइंड एच सी एफ ऑफ 513, 1334 and 1215। ठीक है, तीन अलग अलग संख्या दी हुई मैंने, तीन अलग अलग संख्या, 513, 1134 और 1215, ये तीन अलग अलग संख्या मैंने दी है, इसका एचसीएफ निकालना है, इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, 513, 1134 और 1215 का एचसीएफ निकालिए, चलिए बताइएगा। यहाँ ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ मैं क्योंकि डायरेक्ट आपको आंसर बताना है, दे दूँ क्या ऑप्शन? चलो ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन ए 81, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 3। ठीक है, चलो ऑप्शन भी दे दिए, समझिए आराम से, बिना ऑप्शन के भी बन जाता लेकिन फिर भी मैंने दे दिया ऑप्शन, किसी को अगर ऑप्शन से सॉल्व करना है उसके लिए। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके से सिखाऊंगा कि ऑप्शन से कैसे सॉल्व करें, बिना ऑप्शन के कैसे सॉल्व करें, और स्कूल में चूंकि हमको आता है, ये बात तो मैंने डिस्कस करना ही भूल गई कि एलसीएम एचसीएफ निकालने आता है कि नहीं लोगों को, बिना शर्म के बताइएगा, कोई शर्म नहीं क्योंकि हम एक उस मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म में खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, जो भी आप हम सब मिलके जो हम आगे की तैयारी कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है, हर कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट होता ही नहीं कोई, लेकिन वही है कि कितनी चीज़ें पता है कितनी नहीं पता उस पर डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो बताइए किसको एलसीएम एचसीएफ निकालना नहीं आता जो स्कूल में सीखा हमने, शर्म नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं बताऊँगा इधर। विनीता का आंसर आ गया 27, आ जाता है सभी को एलसीएम एचसीएफ आ जाता है, अच्छा बताना है, ठीक बताते हैं। इस क्वेश्चन को छोड़ के पहले मैं आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना बताता हूँ। जैसे मान लो एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, अगर मैंने बोल दिया कि 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालो, ठीक है, पहले एलसीएम निकालना सीखना। अगर मैंने बोल दिया 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालो, तो हम क्या करते हैं, एक साथ इसका गुणनखंड निकालते हैं, ऐसा एक साथ ऐसा इसका गुणनखंड निकालते हैं और छोटी संख्या से जनरली शुरू करते हैं। तो देखो 2 से पहले भाग जाएगा, जो संख्या 2 से भाग नहीं जाएगी उसको रहने देते हैं, जैसे 2 × 6 = 12, 15 भाग नहीं जाएगा तो 15 को रहने दिया, 20 है 2 × 2 = 20, फिर से 2 से जाएगा, 2 संख्या दिख रहा है, 2 × 3 = 6, 15 भाग नहीं जाएगा, 15 को एज इट इज लिखो, 2 × 5 = 10। ठीक है, ओके, अब 2 से बड़ी संख्या क्योंकि 2 से अब भाग जाएगा नहीं, 3 से शुरू करो, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15 और 5 भाग नहीं जाएगा तो 5 को लिख दिया 5। फिर आपको दिख रहा है ऑलरेडी कि 5 से भाग जाएगा, 5 × 5, 5 × 5, 5 × 5, हो गया, ये करना आ जाएगा। ये करने के बाद यहां पर जो संख्याएं मिली हुई है, यहां पर जो संख्या मिली हुई है उसका गुणनफल ले लो, वही एलसीएम है। जैसे 2 × 2, 2 × 2, × 3, × 5, ठीक, 2 × 2 = 4, 3 × 12, 12 × 5 = 60, यहां पर आंसर आ जाएगा 60। तो एलसीएम क्या आ गया, 60, ये आता है ना। एक साथ हम इस तरीके से गुणनखंड कर लेते हैं, जो गुणनखंड में संख्याएं मिलती है उसको गुणनफल ही एलसीएम होता है, हाँ या ना, ये आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन का आंसर 27 आने शुरू हो गया, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, देखते हैं कैसे निकाले जा सकते हैं। फिलहाल ये क्लियर है क्या, ये क्लियर है, एलसीएम क्लियर है। अब इसी संख्या का एचसीएफ निकालने बोल देता तो क्या करते,
हर एक का अलग अलग गुणनखंड निकालते, अलग अलग गुणनखंड निकालते, ठीक है। अलग अलग गुणनखंड निकालूं अगर मैं, यहाँ पर पहले बता देता हूँ, अच्छा इसके लिए सॉल्यूशन मुझे चाहिए होगा, बाद में देखूँ, इसमें मुझे बताने की ज़रूरत पड़ेगी वैसे। चलो इस क्वेश्चन को मैं आगे ले जाऊँगा, डोंट वरी, पहले ये समझो। अगर मैं 12, 15 और 20 का HCF निकाले बोलता, ये उन लोगों के लिए जिनको नहीं आता निकालना, ठीक है। तो हम अलग अलग गुणनखंड निकालते हैं, अलग अलग गुणनखंड कैसे करेंगे, ऐसे करके कर सकते हो आप, 2 × 12, 2 × 3 = 6, अब 3 से ही भाग जाएगा तो क्या, लेकिन ये सारे गुणनखंड नहीं आएंगे, सीधा गुणनखंड के रूप में वो आपको देखना है जो जो भाग दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको ऐसा भी लिखना चाहो, 2, 2, 3, कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। 15 के लिए ऐसा कर लो, 3 × 5 = 15 और 5, इसको लिख दिया 3 × 5। 20 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5, ठीक है, 2 × 2 × 5। अब देखिए दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन क्या निकल पाएगा। तो यहाँ पर आपको तो 2 कॉमन दिख ही रहा है, इसमें 2 कॉमन नहीं है, लेकिन इसमें 2 कॉमन नहीं है, हाँ नहीं हो सकता कॉमन, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, सभी में कॉमन होना चाहिए। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, नहीं हो पाएगा कॉमन। अब चूंकि तीनों में कॉमन नहीं है कुछ भी, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF जो होता है वो 1 होगा, HCF जो होता है वो 1 होगा, ठीक है। अगर कुछ भी कॉमन ना निकले, कुछ भी कॉमन ना निकले तो HCF 1 होता है, कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो 1 कॉमन तो हो गई, तो ऐसे HCF निकलता है, हाँ या ना। स्कूल वाला मेथड बताया मैंने, इतना सबको आना चाहिए कम से कम बेसिक। अब आपके पास क्वेश्चन वो है, क्वेश्चन को मैं आगे ले जाता हूँ क्योंकि सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी मुझे थोड़े ज़्यादा स्पेस की। HCF ऑफ आपका क्वेश्चन था, HCF ऑफ 513, 1134, यही है ना, और 12, 15, ठीक है, 11, 34 और 12, 15, ठीक है, इसका HCF निकालना था। ऑप्शन मैंने दिए हुए थे आपको, 81, 27, 9, 3। तो आपने HCF कैसे निकाला मुझे कमेंट करके एक बार बता सकते हैं, क्या आपने वो इंडिविजुअली गुणनखंड करके आंसर निकाला, 513 का गुणनखंड किया जैसे मैंने बताया था इसके पहले ये वाला, क्या आपने ऐसा किया है, जितने लोगों ने किया है तो बोलो हाँ, ठीक है। अभी जितने लोगों ने इस तरीके से किया, हाँ मैं देखना चाहता हूँ कि कौन किस मेथड से कर रहा है, क्योंकि मुझे बताना है कि कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा है, बस इसलिए जानना चाह रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इस मेथड से किया होगा, कुछ लोगों ने अलग मेथड से किया होगा, ठीक है, तो इस मेथड से करने वालों में भी कुछ लोग हैं। चलो अगला मेथड, डिवीजन मेथड, जो कुछ कमेंट आ रहे हैं कि सर डिवीजन मेथड से हमने किया है, कौन कौन डिवीजन मेथड से किया है, कि डिवाइड करके चेक किया हो गिवन ऑप्शन से, डिवीजन मेथड मेथड मतलब गिवन ऑप्शन से डिवाइड करके देखना कितने लोगों ने किया है। कितने लोगों ने डिवीजन मेथड से किया है, तो मुझे लग रहा है कि जिन्होंने इस मेथड से नहीं किया है, इंडिविजुअली गुणनखंड नहीं किया है, उन्होंने डिवीजन मेथड से किया है ऑप्शन से चेक करके, राइट, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। डिवीजन मेथड है क्या, आइए इसको सॉल्व करने की, डिवीजन मेथड है क्या, हमने एक नोट पॉइंट देखा था, सीधी बात यही है कि HCF दी हुई संख्या को भाग देगा, नोट पॉइंट नंबर 3 याद करो, HCF दी हुई संख्या को भाग देगा, ये दी हुई संख्या है, HCF वही होगा जो इनको भाग दे देगा, तीनों को, तीनों को। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, सर ऑप्शन कहाँ से चेक करें, इससे चेक करें या डी से चेक करें, तो आपको ऑप्शन उससे चेक करना है जो सबसे बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि HCF चाहिए, हाईएस्ट चाहिए ना, फैक्टर जो है वो हाईएस्ट होने चाहिए। यहां पर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये सारी संख्या 3 से भी भाग चली जाए, सारी संख्या 9 से भी भाग चली जाए, सारी संख्या 27 से भी भाग चली जाए और सारी संख्या 81 से भी भाग चली जाए, संभवतः ऐसा हो सकता है, मैं कह रहा हूं अभी पता नहीं आपको। तो इस केस में अगर दी हुई संख्या सभी संख्या से भाग चली जाएगी अगर, तो HCF कौन सा लोगे, बोलो बोलो, मैं ये कंडीशन बता रहा हूं, अगर ये सभी संख्याएं, दी हुई संख्याएं ये सभी ऑप्शन से डिवाइड हो जाए तो उसमें HCF कौन सा होगा, बोलो जल्दी कमेंट करो, चलो कमेंट करो, एकदम से दिमाग ओपन करना एकदम,
पूरा ब्रेन क्लियर होना चाहिए। बोलो, मैंने क्वेश्चन बस इतना किया, 513, 1134 और 1215 में ये सभी संख्याएं, सभी ऑप्शन, मतलब सभी HCF के ऑप्शन से डिवाइड हो जाए तो चारों ऑप्शन में HCF कौन सा होगा? तो सौरभ ने जवाब दिया जो बड़ा है, ठीक है, जो बड़ा है। हाँ, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट से वो डिवाइड करके देखा दीप्ति जी, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, मैं एक कंडीशन बस ये पूछ रहा हूँ कि अगर दी हुई संख्याएं, सभी संख्याएं इन सभी ऑप्शन से डिवाइड हो जाती, तो HCF कौन सा होता? तो HCF होता सबसे बड़ा वाला। HCF होता क्या? सबसे बड़ा वाला। 81 होता सर आंसर, क्योंकि HCF में हमको हाईएस्ट चाहिए, हाईएस्ट। ये बात मैं सुनना चाह रहा था जो आपको पता है, वेरी गुड। लेकिन चेक करना पड़ेगा कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं पहले तो, और मैं इसी कारण कह रहा हूं कि जब आप डिवीजन मेथड में चेक करोगे ऑप्शन से, तो सबसे पहले जो बड़ा ऑप्शन होगा, बड़ा नंबर होगा, उससे चेक करना डिवाइड करके, ठीक है। तो यहां पर सबसे बड़ा नंबर फिलहाल है 81। तो आप हर एक नंबर को 513, 1134 और 1215 को 81 से भाग देके देखोगे, 81 से भाग देके देखोगे, सारी संख्याएं 81 से भाग अगर हो जाएंगी तो 81 ही आंसर हो जाएगा। चलो चेक करते। अब सर 81 से भाग देना हमको आता नहीं है, 81 से भाग देना हमको आता नहीं है सर, ठीक है। तो भैया भाग देख लो, देखो ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है, डायरेक्ट भी भाग दे सकते हो। अगर डायरेक्ट भाग नहीं देना है तो आप 81 को लिख सकते हो दो अलग अलग संख्याओं में तोड़ के, 9 × 9, 9 × 81 होता है ना, तो 81 के बदले 9 × 9 लिख दिया। एक बार 9 से भाग दो, जो रिजल्ट मिलेगा उसको फिर से 9 से भाग दो, ये हो जाएगा 81 से भाग देना। तो चलो भाग दे के देखते हैं, आओ 9 × 9, 9 × 5 = 45, इधर से बचा 6, इधर हो गया 63, ठीक है, 9 × 7 = 63 हो गया भाग, मिला 57। अब 1 9 बचा हुआ है, इस 57 को इस 9 से भाग दे के देखना पड़ेगा, क्या 57 9 से भाग जा रहा है? नहीं जाएगा सर। और जब 57 9 से भाग नहीं जा रहा है, मतलब है 513 81 से भाग नहीं जाएगा, 513 81 से भाग नहीं जाएगा। और चूंकि पहली ही संख्या 81 से भाग नहीं गई, तो बाकी से मतलब ही नहीं है, चेक ही नहीं करना है, तीनों भाग जाने चाहिए थे, 81 आंसर नहीं होगा। ये समझ में आया बात? डिविजन मेथड समझ में आया जिन्होंने वो कन्वेंशनल मेथड से किया है? हाँ या ना, बताइए। और जैसे कि दीप्ति जी कह रही थी, यूनिट डिजिट से पता कर लीजिए क्या 513 81 से भाग जा रहा है, ऐसा भी कर सकते हो आप। ये थोड़ी प्रैक्टिस से आती है। कैसे? कि सर 81 का कुछ पहाड़ा पढ़ते हुए क्या 513 आ सकता है? ये थोड़ा सा गैस करना पड़ेगा। जैसे देखो, हम 80 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 400 आएगा, क्योंकि 8 × 5 = 40 होता है, ठीक है। लेकिन 81 है, ठीक है, कोई बात नहीं। 80 का पहाड़ा 6 बार पढ़ो, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 480 होता है सर, 480। लेकिन 8 × 7 अगर ले ले 56 हो जाएगा, 560 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 80 का पहाड़ा एक है उसको अलग करो, ठीक है, एक है उसको अलग कर देते, रुक जाओ। यहाँ पर 80 का पहाड़ा आप 6 बार पढ़िए, 480 आ रहा है, 8 × 6 = 48, और एक अलग से है तो एक का पहाड़ा भी 6 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 81 का है, 7 में अगर करें तो 6 के बार पढ़ना पड़ेगा, 6 ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ रहा है, 486। लेकिन जैसे कि मैंने बताया 80 × 7 करूँगा 560 हो जाएगा, नहीं होगा, तो यहीं से पता चला डिवाइड नहीं हो रहा है। ये यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं इसको, क्लियर? ठीक है, ठीक है, ऐसा भी चेक कर सकते हो। अगर ये नहीं कर रहा है तो भाग ही नहीं जा रहा है, 81 आंसर नहीं होगा। अगला ऑप्शन जिससे चेक करोगे वो क्या है, 513 27 से चेक करना, 1134 27 से चेक करना, 1215 27 से चेक करना, ठीक है। 27 × 270 फिर कितना मल्टीपल लेंगे कि 513 आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज 27 को ब्रेक कर लो दो संख्या में, जैसे ये होगा 9 × 27, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है सर, इतना क्यों टाइम लगा रहे हो भाई? कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ मैं, जिनको अगर लग रहा है कि टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, आगे बढ़ जाना फॉरवर्ड करके, जो रिकॉर्डेड देख रहे हो, सीधी बात है भैया, मैं चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ कैसे करना है एग्जाम में अगर ऐसा आ जाए। 9 × 5 = 45 ऑलरेडी भाग दिया हुआ है, देखो 57 आया हुआ है, ठीक है, और 9 × 7 = 63 तीन से भाग जाएगा क्या सर? 3 × 3 यहाँ से 2 बचा, हो गया 27, 3 × 27, जी हाँ भाग चला गया,
तो ये फल भाग चला गया, फिर इसको भी भाग दे के देखना, इसको भी भाग दे के देखना, इसी तरीके से 27 को 9 3 करके 9 3 करके एक बार 9 से, फिर जो रिजल्ट मिलेगा उसके बाद 3 से तीनों भाग चले जाएंगे, जाएगा भाग और इस वजह से 27 हो जाएगा आंसर, ठीक है। और ऐसा भी जैसे मैंने कहा, अगर आप कर सकते हो इस प्रकार का प्रैक्टिस तो डायरेक्ट 27 से भाग देके देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है क्या, ठीक है ठीक है ठीक है, बताइए। ये एक तरीका, मतलब दूसरा तरीका, एक कन्वेंशनल फैक्टराइजेशन, एक आपका हो गया ये, और एक और मेथड बताऊंगा जो मेरे ख्याल से मेरे लिए इजी पड़ता है, और वो ये है। उसके पहले एक नोट पॉइंट आप सभी के लिए, नोट करो इसके क्वेश्चन के नीचे या कॉपी के टॉप में, जब ये क्वेश्चन बना रहे हो तो उस पेज के कॉपी के टॉप में लिख लेना, दी हुई संख्या का HCF बराबर, दी हुई संख्याओं का, दी हुई संख्याओं के अंतर के HCF के बराबर होता है, ठीक है। बस ये नोट पॉइंट ध्यान में रखना, क्या बोला मैंने, दी हुई संख्या का HCF, सर दी हुई संख्याओं के अंतर के, दी हुई संख्याओं के अंतर का कहने का मतलब ये, जो दी हुई तीन संख्याएं उनका आपस में अंतर, डिफरेंस, और जो डिफरेंस आएगा उसका जब आप HCF लोगे तो वो HCF दी हुई संख्या के HCF के बराबर होता है। मैं समझाने वाला हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है जो आगे जाके एक प्रकार के क्वेश्चन में अप्लाई होता है, और उस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है आजकल बहुत ही ज़्यादा, LCM HCF से वही क्वेश्चन पूछ रहा है जिसमें ये नोट पॉइंट एप्लीकेबल होता है। आइए मैं कहना क्या चाह रहा था उसको बताता हूँ। जैसे 513 है, 1134 है और 1215 है, सर इनका अंतर लीजिए, अंतर, ठीक है आओ अंतर लेते हैं। सबसे पहले 1134 और 513 का अंतर लो, 1134 और 1215 का अंतर लो, और एक अंतर और मिलेगा आपको, ये वाला 1215 और 513 का अंतर। सबसे पहले कौन सा अंतर लूँ सर, वो अंतर लेना जिसमें आपको अंतर छोटा मिले, छोटा अंतर मिले, डिफरेंस कम मिले, डिफरेंस कम मिले, क्यों देखो बताऊंगा बहुत सारे रीज़न। पहले आप करो 1215 में 1134 को घटाओ, 1215 में 1134 को घटाओ, पहले 1134 ही ना कुछ जो नंबर है, हाँ 5 में से 4 गया 1, ये हो गया 11, 11 11 में से 3 गया आपका 8, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 81 बचा संख्या, क्या बचा 81, डिफरेंस इधर आया 81, एक डिफरेंस आ गया 81, चलो एक डिफरेंस मैंने लिख दिया 81, ये डिफरेंस लिख रहा हूँ, अंतर संख्याओं का अंतर लिख रहा हूँ सर, ठीक है ओके। अब इसका और इसका अंतर ले लो, 1134 उसमें 513 कम करो, 4 में से 3 1, 3 में से 1 गया 2, और 11 में से 5 गया 6, 621 आया सर। और जब 1215 513 का अंतर लूंगा, ये देखो टाइम लग रहा है बताने में, करने में नहीं लगेगा, क्यों मैं समझाऊंगा इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट। 5 में से 3 गया 2, 1 में से 1 गया 0, 12 में से 5 गया 7, 702 ये अंतर आ गए, ये क्या आ गए, दी हुई संख्या के अंतर आ गए। अब इसमें HCF क्या होगा सुनना, अब इसमें अंतर क्या होगा सुनना। अब यह देखो, ये नहीं बोला हूं मैंने, देखो सौरभ मैं ये नहीं बोला हूं कि दी हुई संख्या के अंतर के अंतर के बराबर होगा, अंतर के बराबर नहीं बोला हूं, दी हुई संख्याओं के अंतर के HCF के बराबर होगा, दी हुई संख्याओं के अंतर के HCF, ये अंतर आया है, इसका यह मतलब नहीं कि जो अंतर है वही HCF होगा, मतलब 81 नहीं, इनका HCF देखना पड़ेगा। अब इनका HCF देखना ज्यादा ईजी है दी हुई नंबर के कंपेरिजन में, क्यों, क्योंकि इसमें जो अंतर आया है उसमें जो सबसे छोटी संख्या होगी, उसमें जो सबसे छोटी संख्या होगी HCF या तो उसके इक्वल होगा या उससे छोटा हो जाएगा, बस ठीक, या तो HCF 81 होगा दिए हुए अंतर में, जो सबसे छोटा अंतर उसको पॉइंट आउट करना, या तो इसके बराबर होगा या तो इससे छोटा होगा। कैसे पता करें, अब डिवीजन लगा लो, क्योंकि यहां डिवीजन लगाना इजी है, सीधा इस 81 को या 621 को 81 से भाग देके देख लेना, 621 को 81 से भाग देके देख लेना, क्या भाग जाएगा, भाग जाएगा, भाग जाएगा, भाग नहीं जाएगा,
भाग नहीं जाएगा मतलब 81 नहीं होगा, 81 से छोटा ऑप्शन देख लेना 27। 27 क्या 81 को 621 को 702 को भाग देता है, जी हाँ 27 भाग देगा, इस वजह से हो जाएगा 27 आंसर। मतलब ये जो नोट पॉइंट है ठीक है, आप बोलेंगे कि सर इस मेथड से बेटर या उसके बराबर ही मान लेते हैं, पहले वाला भी था ठीक है, मानने को मैं तैयार हूँ, लेकिन ये नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा ना, बहुत जगह काम आता है, बहुत जगह काम आता है जब आपके पास समय कम है। सिर्फ इतना करना था, अंतर लेना था, जो सबसे छोटा अंतर उसी के बराबर चेक करने के लिए 81 से भाग देके देख लेना, क्योंकि पता चल गया था 81 भाग नहीं जाएगा, जस्ट उसके छोटा वाला ऑप्शन देखना 27, फटाक से 27 देखना, बाकी लोगों को भाग दे रहा है कि नहीं, 81 का तो भाग देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। प्रियंका जी बोल रही हैं क्या सर इनका फिर से अंतर निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन इसका फिर से अंतर निकालने में आपके चांसेस हैं कि वही संख्या फिर से मिल जाए, जैसे 702 में 621 का अंतर देखो, 702 में 621 का अंतर देखो, 2 में 1 गया 1, यहाँ पर ये 10, 10 में 2 गया 8, ये देखो फिर से 81 आ गया, क्या करोगे अब इसमें? 81 को 81 में भाग दोगे शून्य आ जाएगा, इसका ये मतलब नहीं जो आपका HCF है वो शून्य हो जाएगा, ऐसा नहीं, अंतर कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, शून्य ना हो। ठीक है, 621 को 81 में माइनस करोगे फिर थोड़ी छोटी संख्या मिलेगी, तो इतना स्टेप में मत करना, सीधा यहाँ पर इतना पता चलेगा। प्रियंका जो कह रहे हो उसमें भी आता है, ठीक है हो जाएगा, क्लियर। हाँ ठीक है, 513 के फैक्टराइजेशन से, देखो दीप्ति जी वही बात है कि फैक्टराइजेशन करना है सबसे पहले वाले केस में, जब हम स्कूल वाले मेथड से करते कि 513 के फैक्टराइजेशन को चेक कर लेंगे, 513 के फैक्टराइजेशन में जो सबसे छोटा फैक्टराइजेशन होगा, लेकिन अल्टीमेटली तो चेक करना पड़ेगा ना कि उसमें से कौन सा फैक्टर निकालें जो बाकी को भी डिवाइड कर रहा है, उसमें 27 भी शामिल है, उसमें 81 भी शामिल है, 81 शामिल नहीं है, 27 शामिल है, 9 शामिल है, 3 शामिल है ना, तो कम से कम 27, 9 और 3 में तो सेलेक्ट करना ही पड़ेगा ना, कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा है कि नहीं। ठीक, हाँ 513 के फैक्टराइजेशन में कैसे भी कॉम्बिनेशन बिठा के 81 नहीं आएगा, लेकिन वही कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल थोड़ा सा लगेगा, तो मैं ये सारी पॉसिबिलिटी आपको बता दिया। मेरे हिसाब से ये डिफरेंस जब फटाफट आप ले लोगे तो आपको पता चल जाएगी जो सबसे छोटी संख्या है HCF या तो उसके बराबर या उससे कम ही निकलेगा, बस यहाँ से ये करके कर सकते हो। इसके अलावा जो पहले हमने देखा था डिवीजन मेथड, ये भी बुरा नहीं है, ये भी अच्छा है, आप इस तरीके से गैस कर सकते हो, गैस कर लेना, अदरवाइज ये जो बड़ी संख्या जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको ब्रेक करके डिवाइड कर लेना। हाँ या ना, इसमें हमें समय काफ़ी लगा लेकिन हमने तीन चीज़ें सीख ली, तीन मेथड सीख लिए HCF निकालने के, जिसमें हमने सबसे इजी देखा ये डिवीजन वाला या इसके बाद डिफरेंस वाला, और वो जो डिफरेंस वाला पॉइंट मैंने बताया है वो आगे जाके आपके क्वेश्चन में यूज़ होगा, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। ठीक है, चलिए तो आज का ये समय, आज की ये क्लास हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि आज हमारा पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लास था, कल हम क्वेश्चन आपके सामने PDF में शो करेंगे जिसको हमको कल बनाना है, राइट। जो भी चीज़ें मैंने बताई आज ध्यान से उसको रिविजन करिएगा और सिंपल क्वेश्चन के LCM और HCF निकालने की प्रैक्टिस करिएगा बस, ठीक है। आप ऐसा क्वेश्चन उठाइएगा जिसमें आपको दी हुई तीन चार संख्या का LCM निकालना हो, दी हुई तीन चार संख्या का HCF निकालना हो, बस इस प्रकार की संख्या का प्रैक्टिस आज कर लेना। बाकी जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, वो हम देखेंगे कल। कुछ ईजी क्वेश्चन भी होंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी होंगे, हर एक प्रकार का क्वेश्चन कवर करेंगे इस टॉपिक से, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कल की क्लास के अलावा एक क्लास और लगेगी इस टॉपिक से, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। हाँ बताइए, यहाँ पर क्या देखकर 27 का भाग देना है सर? क्या देखकर 27 से भाग देना है? कुछ देखकर 27 से भाग नहीं देना, चेक कर रहे बड़ी संख्या से, खेमराज बड़ी संख्या से भाग देकर चेक करना है, 27 से फिर किया क्योंकि कैसी से भाग नहीं गया, 513 सभी संख्याएं भाग जानी चाहिए, फिर 27 से चेक करेंगे, ऑब्वियस सी बात है बड़े से छोटा चेक करने चलता, क्योंकि 3 चला जाएगा, 9 भी चला जाएगा, तो आंसर 3 और 9 नहीं होगा अगर उससे बड़ी संख्या भाग दे रही है सभी को, ठीक है, क्लियर। बड़ी संख्या से शुरू करना, चेक करना, ये कह रहा हूँ, अगर डिवीजन नहीं करना है, फैक्टराइजेशन नहीं करना है, ओके। ओके चलिए फिर मिलते हैं, किसी को कोई डाउट कोई दुविधा लाइव क्लास में? अब हम एक चीज सोच रहे हैं, वो ये है कि जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है वही आपको रिकॉर्डेड में दे दिया जाए, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है सर जो लाइव क्लास में कन्वर्सेशन होता है वो कन्वर्सेशन रिकॉर्डेड में भी हमको पता चलना चाहिए कि क्या डाउट पूछे जा रहे हैं और उस डाउट का सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो हमने ये सोचा ठीक है कि आपको डायरेक्ट जो लाइव स्ट्रीमिंग है उसी को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी दे दिया जाए, ठीक है,
क्योंकि जो इंट्रैक्शन पार्ट होता है, अगर चाहे तो चूंकि इंट्रैक्शन पार्ट लास्ट में होता है, चाहे तो उसको देख सकते हैं रिकॉर्डेड देखने वाले, नहीं तो स्किप कर सकते हैं क्योंकि कंटेंट या क्लास जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी, आप कन्वर्सेशन देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। हम अब ये करेंगे कि जो लाइव स्ट्रीमिंग होगी उसी का रिकॉर्डेड आपको दे देंगे। क्लियर? ठीक है, उसी के रिकॉर्डेड आपको दे देंगे, तो कन्वर्सेशन पोर्शन पता चल जाएगा, क्या डाउट पूछे जा रहे हैं ये आपको मतलब क्लियर होगा। ठीक है, रूट के अंदर रूट नहीं करवाए, चलो करवा देंगे सोमी, है मेरे दिमाग में रूट के अंदर रूट वाले क्वेश्चंस करवा देंगे। ठीक है, और कोई डाउट, कोई दुविधा? आज की सीजी की क्लास आपकी शाम को होगी, प्रूफ रीडिंग करने के बाद मिस्टेक्स उसमें थोड़े ज़्यादा थे, कल हो नहीं पाए, ऑफिस टाइम ओवर हो चुका था क्योंकि कंटेंट पीडीएफ तैयार होने में ही थोड़ा समय लगा, तो आज शाम को 6 बजे सीजी की क्लास करवाएंगे। अच्छा हाँ, कल का वो मैंने देखा राजर्षि तुल्य वाला वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। देखो यहाँ समस्या ना नेट वाली चली रही है, हमारे सेंटर गाज़ियाबाद में भी समस्या चल रही है, अपलोडिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है और ऐप में दिक्कत भी आ रही है। सबसे बड़ी बात, ऐप में जो समय पहले एच डी प्रोसेसिंग के लिए कम लगता था, वो अभी एच डी प्रोसेसिंग के लिए समय ज़्यादा लगने लग गया है, तो वो हो जाएगा। संभवतः जिस दिन जो क्लास हो रही है उसके अगले दिन वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्राप्त हो, संभवतः। टेक्निकल चीज़ें यार, ठीक है, एक दिन का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और इसका ये मतलब नहीं है कि आप पढ़ाई ना करो, आपके पास प्रीवियस सारे कंटेंट है उसका रिवीजन करते चलो, भले ही सही रिकॉर्डेड देखने वालों को एक दिन लेट मिलेगा लेकिन सारे पिछले कंटेंट तो है ना आपके पास। ठीक है, प्रोसेसिंग में टाइम लगता है सारा, एचडी प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों कल, कल इसी के क्वेश्चन करेंगे, एक क्लास और लगेगा, दो क्लास इसमें हम स्पेंड करेंगे, पूरी तरीके से एलसीएम एचसीएफ के सारे क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।